सो हेलो स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 159 फिफ्टी नाइन विच वॉज आज इन गेट टू थाउजेंडें कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए ना तो इस क्वेश्चन को आप पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ सिंपली इजीली पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है कि x हमारा डिस्क्रीटेंडम वेरिएबल है और p ऑफ x इक्ल टू j जो है वो पी जे दिया हुआ है वेर पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो और जे जो है वो बिलोंग कर रहा है जीरो कमा वन कमा अपू तक है ना और समेसन ऑफ पी जो है जे इक्ल से लगे एन के बीच में दे रखे आपको वन और आपको एक फंक्शन दिया हुआ है इसको मैं जी ऑफ जेड और नीचे एक्स में एक्स लिखा हुआ है जो देखा आपको समेशन ऑफ जे इक्वल टू जीरो टू एन पी जे इन टू जेड जे सिमिलरली आगे लिखा हुआ है फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाई देर एग्जिस्ट है जीरो का वन सच दैट जी ऑफ जेड और में लिखा हुआ है वाई उसकी वैल्यू है वन माइनस बीटा प्लस बीटा जेड की होल पावर एन तो पहले बात तो ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे है या इंटू में लिखा हुआ है एन जबकि इंटू में नहीं है ये पावर में एन लिखा हुआ है ना तो थोड़ा आप इस करेक्शन को ध्यान रखिए तो और हमें आगे क्या लिखा हुआ है द एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज तो हमें वाई का मीन निकालना है तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा लेंदी है पढ़ने में बट करने में बहुत सिंपल है तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा करने का तरीका यहाँ पे है ना देखिए एक तरीका तो क्या है है ना सबसे पहली चीज़ नोटिस करिए अगर मुझे ई ऑफ एक्स का मीन निकालना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ समेशन एक्स इक्वल टू जीरो टू सॉरी समेशन एक्स इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फानेट एक्स इंटू पी ऑफ एक्स अगर मुझे एक्स का मीन निकालना है या बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन निकालना है तो बट नोटिस करिए यहाँ पे जो है ये एक् 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 एक्स इक्वल टू जे के फॉर्म दिया हुआ है फिर से मैं यहाँ पे भी फॉर्मूले में मैं एक्स को जे की फॉर्म में ले देता हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगा जे टे जे की लिमिट माइनस इफाइनेट से इनफाइनिइट यहाँ आ जाएगा हमारा जे और यहाँ आ जाएगा पी ऑफ जे और देखिए पी ऑफ जे कितना दिया हुआ है आपको पी जे तो ये आ गया पी जे और जे कहा सकता है अगर वही कर रहा है जीरो से लगे एन तक के बीच में तो समेशन जो है वो माइनस इन्फाइनट से इन्फाइनिइट ना हो केवल जीरो से लगे एन तक के बीच में होगा तो यहाँ ओवरऑल जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया हमारा समेशन जे इक्वल टू जीरो टू एन जे एन टू पी जे अगर इस समेशन को मैं अगर मैं एक्सपांड कर दूँ खोल दूँ अगर तो यहाँ आएगा जीरो इंटू पी जीरो प्लस वन इंटू पी वन प्लस टू इंटू पी टू प्लस वन तो यहाँ पे आएगा ये पी वन प्लस वाइस ऑफ पी टू प्लस फाइस ऑफ पी थ्री प्लस अप टू एन इंटू पी एन तो ये हमारा आ रहा है एक्स का मीन अगर हमें निकालना होता तो बट हमें एक्स का नहीं निकालना है हमें वाई का मीन निकालना है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना नाउ नेक्स्ट तो एक्स का मीन क्यों निकाल रहे अभी आप समझ जाओगे अब देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमारा इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ ना तो ये जो जी ऑफ जेड जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्ट में एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे तो इसको अगर मैं समेशन को एक्सपांड करूँ तो यहाँ आएगा हमारा पी नॉट इंटू जेड की पावर जीरो तो यहाँ आ जाएगा पी नॉट सिंपली प्लस पी वन इंटू जेड के पावर वन तो पी वन जेड प्लस नेक्स्ट आ जाएगा पी टू जेड स्क्वायर है ना प्लस पी थ्री जेड क्यू प्लस अब टू लास्ट में आ जाएगा पी एन जेड के पावर एन ना तो अब नोटिस करिए इसका अगर मैं डेरीवेटिव करूँ डेरीवेटिव क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझा देंगे हम तो यहाँ पे अगर मैं डेरीवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू जैड तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा हमारा पी वन प्लस टू पी टू जेड प्लस थ्री पी थ्री जेड स्क्वायर और लास्ट में आ जाएगा हमारा एन पी एन और जेड की पावर एन माइनस वन ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा डेरिवेटिव और अब नोटिस करिए देखिए हमको देखना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है तो अगर आप नोटिस करके देखिए अगर मैं इस डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ जेड लिखा हुआ है उसको अगर मैं वन पुट कर दूंगा तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर मुझे एक्स का मीन निकालना है या बोल सकते अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो वो क्या हुआ हमारा उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हुआ हमारा कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वेन जेड इज़ इक्वल टू वन तो इसका मतलब क्या है अगर मुझे वाई का मीन निकालना है तो उसका मतलब मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा और डेरिवेटिव करने के बाद जेड को क्या पुट करना पड़ेगा वन देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है हमारा वो फंक्शन या लिखा हुआ है अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये एन मल्टीप्लाई में नहीं है ये एन पावर में है तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ दोबारा एक बार तो ये दिया हुआ हमारा, है हमारा बोल सकते हैं वन माइनस बीटा प्लस बीटा जेड की होल पावर एड तो देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड तो देखिए मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ बोर्ड पे तो अगर मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू Z तो देखिए इसका डेरिवेटिव आएगा हमारा n इंटू वन माइनस बीटा प्लस बीटा जेड की होल पावर एन माइनस वन और बीटा इंटू जेड का वापस करके तो इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे बीटा तो ये हमारा आया डेरिवेटिव बट हमें क्या करना है डेरिवेटिव में जेड की जगह वन को जेड को वन पुट करना है तो अगर मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू वन पुट करूंगा तो आप नोटिस करके देख सकते हो कि इसका आंसर आएगा एन इंटू बीटा तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो वाई है उसका मीन बोलिए या एक्सपेक्टेशन बोलिए एक ही बात है तो वो हमारा आ रहा कितना एन इंटू बीटा जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ना वेट करिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है तो वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है बट तो अगेन उसको भी आपको सही से ऑब्जर्व करना पड़ेगा सो देखिए ये जो दिया हुआ है हमारा जी वाई ऑफ जेड ये दिया हुआ है हमारा वन माइनस बीटा इसको मैं एक बिक्रम लिख देता हूँ प्लस बीटा जेड की होल पावर एन दिया हुआ है तो देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कि ए प्लस बी की होल पावर एन अगर दिया हुआ है तो इसका अगर मैं बाइनेमल एक्सपेंशन करूँ तो वो होता है हमारा एन सी जीरो इंटू ए टू द पावर एन बी टी दावर जीरो प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी टी द पावर वन प्लस ऐसे लास्ट में जब करते जाएंगे लास्ट में तो वहाँ आ जाएगा प्लस एन सी एन यहाँ आ जाएगा ए टू की पावर एन माइनस एन जो कि हो गया जीरो और यहाँ आ जाएगा बी की पावर एन तो ये हमारा होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आप नोटिस करिए यहाँ पर जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ए की जगह लिखा हुआ है वन माइनस बीटा और बी की जगह लिखा हुआ है बीटा इंटू जेड तो अगर मैं इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू अगर खोलूँ तो इसका यह आएगा हमारा यह आएगा एन सी ज़ीरो इंटू यहाँ आएगा बीटा इंटू जैड की पावर जीरो इंटू वन माइनस बीटा की पावर एन नेक्स्ट प्लस कितना आएगा एन सी वन इंटू बीटा इंटू जेड की पावर वन इंटू वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन ऐसे प्लस सो वन करते जब हम लास्ट टर्म में जाएंगे तो लास्ट टर्म आएगी एन सी एन इंटू बीटा इन टू जेड की होल पावर एन इंटू वन माइनस बीटा की होल पावर जीरो तो ये हमारा पूरा फाइनली इसका एक्सपेंशन हुआ और आप नोटिस कर सकते हो अगर मैं इसको यहाँ पर जेड की पावर जीरो और जेड की पावर वन और जेड की पावर टू को मैं अगर बीटा से सेपरेट कर दूँ तो और उसको अगर पूरे को समेशन की फॉर्म में लिखो तो इस पूरे को लिख सकते हो समेशन है ना के इक्ल टू जीरोन ये हम सोचते हैं जे इक्वल टू जीरो जे इक्वल टू जीरो टू एन और यहाँ आ जाएगा हमारा बीटा की पावर एन इन टू वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस जे और यहाँ आ जाएगा हमारा जेड की पावर जे तो यह हमारा फाइनल समेशन आ रहा है अब देखिए ये जो फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाई प्रोटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अगर हमारा अगर हमें बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन का पी एम एफ निकालना है तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू के पे अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन सॉरी uh, उसका फॉर्मूला होता है हमारा पी की पावर के सॉरी एन सी के इंटू पी टी द पावर के इंटू क्यू टी द पावर एन माइनस के है ना ये पी स्मॉल है ये पी बड़ा है बड़े पी का मतलब यहाँ पर पी एम एफ है स्मॉल पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एज केस एंड क्यू का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच केस और जो क्यू होता है वो वन माइनस बी के बराबर होता है तो आप नोटिस करोगे कि ये जो फॉर्मूला है अच्छा यहाँ पे है ना एक नंबर मिसिंग है यहाँ पे एन सी जे भी आएगा साथ में तो आप नोटिस करोगे कि ये जो फॉर्मूला है वो इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहां से क्या समझ में आया कि जब पी है हमारा वो बीटा है और क्यू है वो वन माइनस बीटा देखिए क्यू होता है वन माइनस पी के बराबर तो देखो मैच भी कर रहा है तो यहां से क्या समझ में आया पी की वैल्यू हमारी बीटा है और जो स्मॉल एन है उसको देखिए यहाँ पर कैपिटल एन लिखा हुआ है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू पी है ना स्मॉल एन इंटू स्मॉल पी तो देखिए स्मॉल एन की वैल्यू कितनी थी हमारी कैपिटल एन